हेलो एवरी वन वेलकम टू आवर चैनल सक्सेस एजूटेक वी आर वॉचिंग टूडे आवर फोर्थ पॉइंट ऑफ आवर फर्स्ट चैप्टर द फ्रेंच रिवोल्यूशन एवरी वन इज नोइंग दिस ने नाउ आई एम स्टार्टिंग दिस पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर डिड वुमन हैव अ रिवोल्यूशन तो वुमेन में क्या क्रांति आई यानी स्त्रियों में क्या क्रांति आई वो हम इस पॉइंट में देखेंगे फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वुमन वी आर एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द इवेंट्स शुरुआत को जो वुमन थी वो बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेंट थी हर एक इवेंट में पार्टिसिपेंट यानी उनका सहभाग था हर एक कार्यक्रम में विच ब्रॉट अबाउट सो मैनी इम्पोर्टेंट चेंजेस इन फ्रेंच सोसाइटी और उनके इस स्वभाव के कारण बहुत से चेंजेस आ गए फ्रेंच सोसाइटी में दे होप्ड दैट देर इन्वॉलमेंट वुड प्रेशराइज the revolutionary government to introduce the measure to improve their lives aur unhone bahut hi revolution yani kranti li lai apne participant participate hone ke karan government mein to kaun se कौन सी क्रांति लाई वो हम यहाँ पर देखेंगे मोस्ट वूमन of थर्ड स्टेट had to work for living और थर्ड स्टेट की जो वूमन थी वो न, काम करती थी, थी अपने जीवन जीने के लिए दर्कड एज सी ट्रेसेस और लैंड रेसेस सोल्ड फ्लावर्स फ्रूट एंड वेजिटेबल्स एट द मार्केट और वे आर एम्प्लॉयड एज ए डोमेस्टिक सर्वेंट इन द हाउस ऑफ प्रॉस्परस पीपल और ये बहुत से काम वो करती थी मोस्ट वूमन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग ओनली डॉटर्स ऑफ नोबल्स और वेल्थियर मेम्बर्स ऑफ द थर्ड स्टेट कोड स्टडी एट ए कॉन्वेंट तो जो प्रॉस्परस लोग थे थर्ड स्टेट के आ, कुछ जो प्रॉस्परस लोग थे वही अपने बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ाते थे आफ्टर विच देआर फैमिलीज अरेंज मैरिज फॉर दैम और उनकी जो फैमिलीज थी वो मैरिज अरेंज करती थी यानी अरेंज मैरिज करने की पद्धति थी तब working women had also to care for their families, that is cook, fetch water, cure for bread and look up to the children. Or, uh come karniwali mahilaiti, wokartiti up no family cure uh, uh dictity any family custom ka become that is cook just like a cook fetch water, queue up for bread and look up to the children. Their wages were lower than those of men. और ये सभी कामें कर ये सभी जो वर्क था वो करने के बाद भी उन्हें जो पैसा था वो बहुत कम मिलता था उसके बदले इन ऑर्डर टू डिस्कस एंड वॉइस दियोर इंटरेस्ट वन स्टार्ट दियर ओन पॉलिटिकल क्लब्स एंड न्यूज़पेपर और इसके बाद उन्होंने क्या किया अपने पॉलिटिकल क्लब्स यानी अपने पॉलिटिकल क्लब्स निकाले और न्यूज़पेपर्स भी निकाले यानी जो वर्तमान पत्र है वो भी निकाला अबाउट सिक्सटी वुमेंस क्लब केम अप इन अ डिफरेंट फ्रेंच सिटीज द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमन वाज़ द मोस्ट फेमस ऑफ देम और बहुत रिवोल्यूशन रिवोल्यूशन आ गया उनके जीवन में वन ऑफ देयर मेन डिमांड्स वॉज द वुमेन एन्जॉय द सेम पोलिटिकल राइट्स इन मैन और इसके कारण एज जो पुरुष थे उन उनके बराबर उनको पॉलिटिकल राइट्स भी मिलने लगे वुमेन आर डिसपॉइंटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेवनटीन नाइन्टी वन टू दैम टू और वो डिसपॉइंटेड हो चुकी थी सेवनटीन नाइन्टी वन के जो कायदा कानून था उसके कारण क्योंकि उनको कुछ अधिकार नहीं मिल रहे थे उसके कारण दे डिमांडेड द राइट्स टू वोट और वहाँ पर वोट्स का जो राइट्स था वो नहीं मिल रहा मिला था उनको टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली एंड द होल पॉलिटिकल ऑफिस ओनली देन दे फेल्टोट दे आर इंटरेस्ट टू रिप्रेजेंटेड इन द न्यू गवर्नमेंट और उनको न्यू गवर्नमेंट को चूज करने के लिए वो अधिकार चाहिए था इन द ऑल ईयर्स द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस लॉस दैट हेल्प टू इम्प्रूव लाइफ ऑफ वूमन और अर्ली ईयर्स में और उस वक्त उनको बहुत से अधिकार मिल चुके थे जिसके कारण उनका जीवन जो था इम्प्रूव हो चुका था विकसित हो चुका था टुगेदर विद द क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल्स स्कूलिंग वाज मेड कंपल्सरी फॉर ऑल गर्ल्स क्योंकि उस वक्त स्कूल वगैरह कंपल्सरी थी गर्ल्स को मगर देयर फादर्स को नो लॉन्गर फोर्स दैम इन टू मैरिज अगेंस्ट देयर विल और मगर उस वक्त उनकी जो पिता थे वो मैरिज के लिए उनको फोर्स करते थे यानी शादी के लिए फ़ोर्स करते थे मैरिज वाज मेड टू अ कॉन्ट्रैक्ट इन टू फ्रीली एंड रजिस्टर्ड अंडर सिविल सिविल लॉ और उस वक्त जो मैरिज था वो फ्री था और रजिस्टर uh, मैरिज करने की वह उस वक्त पद्धति थी डाइवोर्स वाज मेड लीगल और डाइवोर्स जो था यानी um, uh, कैसा था वो लीगल यानी uh, पति पत्नी जो विभक्त होते हैं उसे डावर्स कहते हैं एंड कुड बी अप्लाइड फॉर एनी बाय बोथ वुमन एंड मैन और इसके लिए मैन एंड उमन को दोनों को अप्लाई करना पड़ता है वुमन कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब्स कुड बिकम के आर्टिस्ट और रन स्मॉल बिजनेस और वुमन जॉब के लिए ट्रेन हो रही थी अभी हो नहीं रही थी आ, तो कुड बिकम आर्टिस्ट और रन स्मॉल बिजनेस और उन्हें क्या करना था आर्टिस्ट यानी कलाकार या स्मॉल बिजनेस मैन होना था वुमन स्ट्रगल फॉर इक्वल पोलिटिकल राइट कंटिन्यू ड्यूरिंग द रीजन ऑफ टेरर द न्यू गवर्नमेंट इश्यूड लॉस ऑर्डर क्लोजर वुमेंस क्लब्स एंड बैंग बैनिंग देयर पोलिटिकल एक्टिविटी और ये जो नो नया गवर्नमेंट था उन्होंने सब कुछ वुमेन के जो कारोबार थे वो बंद कर दिए थे मैनी प्रमिनेंट वूमे वे आर अरेस्टेड एंड नंबर ऑफ दे एक्सिक्यूटेड और जो आ, बहुत सी वमन थी जो अग्रेसर थी उनको अरेस्ट कर कर उनका सभी काम बंद कर दिया था सरकार ने वुमेंस मूमेंट ऑफ वोटिंग राइट्स इन द एकवल वे इज कंटिन्यूड थ्रू द नेक्स्ट टू हंड्रेड ईयर्स इन मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड वोटिंग राइट्स जो था वो कंटिन्यू था टू uh, हंड्रेड uh, um, साल से वर्ल्ड के जो राइट्स का अधिकार था वो सभी उमन को दो दो सौ वर्षों से मिल रहा है द राइट फॉर द वोट वॉज कैरिड आउट ऑफ द द्रो इंटरनेशनल सफरेज मोमेंट ड्यूरिंग द लाइट नाइनटीन एंड अर्ली ट्वेंटी सेंचुरीज एटीन सेंचुरी से ट्वेंटी सेंचुरी तक ये उमन का राइट्स शुरू हुआ था द कम्पलीट ऑफ द पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ फ्रेंच वमेन ट्यूरिंग द रिवोलूशनरी ईयर्स वॉज कैप्ट अव एज इंस्पायरिंग मैमरी और एक इंस्पायरिंग मैमरी है ये फ्रेंच की जो उमन थी वो बहुत ही अग्रेसर थी इस मूमेंट में इट वाज वॉज फाइनली नाइनटीन फोर्टी सिक्स डेट वमन इन फ्लॉन्स ओन द ऑफ वोट और ये जो वोटिंग था वोटिंग का जो अधिकार था वो वो फ्रेंच के उमन ने प्राप्त प्राप्त किया द लाइफ ऑफ द रिवोल्यूशनरी वमन ओलम्पिडिकॉचिस सेवेंटीन फोर्टी एट सेवेंटीन नाइन्टी थ्री एक फ्रेंच की वुमन है उन्होंने क्या किया अपने जीवन में हम यहाँ पर देखेंगे ओलम्पिक वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ द पॉलिटिकल एक्टिव वुमन इन रिवोल्यूशनरी फ्रांस एक फ्रांस की बहुत ही रिवोल्यूशनरी वुमन थी बहुत ही क्रांतिकारी वुमन थी शी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स मैन एंड सिटीजन और उसने मैन और सिटीजन की जो अधिकार थे वो डिक्लेयर कर दिए थे यानी दिखा दिए थे आज द एक्सक्लूडेड वुमेन एंड बेसिक राइट्स ऑफ द ईच ह्यूमन बीइंग वाज टू और बींगे को तो भी वो अधिकार मिलने चाहिए ये उन्होंने दिखा दिया था सो so इन 1791 शी वन अ डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन विच शी अड्रेस टू द क्वीन एंड टू द दम्बर्स एंड टू द दम्बर्स

she was tried by the national conversation which charged with treason so after soon after this was the executed bahut se kaam kiye the is woman ne magar uske baad unhe executed kar diya kisne france के जो government थे उन्होंने government थे उन्होंने execute कर दिया इस woman को तो उसके बाद क्या हुआ हम आगे देखेंगे सॉस एफ में सम ऑफ द बेसिक राइट्स सेट फोर्थ इन ओलम्पिक गॉजस्टी क्लेरेशन तो कुछ बेसिक चीज़ें थे वो क्या थी इस महिला ने यहाँ पर दी है वुमेन इज अ वॉर्न फ्री एंड रिमेन्स इक्वल टू मैन इन राइट्स वुमेन कैसी है बॉर्न फ्री है यानी फ्री में पैदा हुआ एक मुक्त स्त्री बनकर वो पैदा हुई है द गोल ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन इन द प्रेस प्रिजर्वेशन ऑफ़ द नेचुरल राइट्स ऑफ वूमन एंड मैन और सभी को नेचुरल नैसर्गिक अधिकार है मैन और वूमेन को दीज राइट्स आर लिबर्टी प्रॉस्परिटी सिक्योरिटी एंड अबाउ ऑल रेजिस्टेंस ऑफ टू ऑपरेशन तो सभी को अन्याय का प्रतिकार करने का अधिकार है देर्स ऑफ दिटी रेजिडेंट्स इन द नेशन विच इज नथिंग बट द यूनियन ऑफ वुमन एंड मैन द लॉ शुड बी एक्सप्रेशन ऑफ द जनरल विल ऑल फीमेल एंड सिटीजन शुड हैव से है पर्सनली और बाय देर रिप्रेजेंटेटिव इन इट्स फॉर्मुलेशन इट शुड बी द सेम फॉर ऑल यानी यहाँ पर सब कुछ उन्होंने कहा है कि सभी अधिकार पुरुष और स्त्रियों को स्त्रियों को समान होना चाहिए ऑल फीमेल एंड मेल सिटीजन्स आर इक्वली इंटिगेटेड ऑल ऑनर्स एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अकॉर्डिंग टू देर एबिलिटीज विदाउट एनी अदर डिस्टिंगशन दैट दे ऑफ देयर टैलेंट तो सभी जो लोग थे उनको अपने टैलेंट के तौर पर नौकरी मिलनी चाहिए अपनी जो योग्यता है उसके बतौर नौकरी मिलनी चाहिए ये उनका मानना था नो वुमन इज एन एक्सेप्शन शी इज एक्यूज अरेस्टेड एंड इन केसेस डिटरमाइंड डिटर बाई लॉ वुमन लाइक अ मैन ओबे धिस रिलजियस लॉ तो इसके कारण उनको क्या कर दिया पकड़ कर सॉरी uh, अरेस्ट कर फ्रांस uh, सरकार ने उनको अरेस्ट कर दिया और uh, उस, उसके बाद उनको <coughs> पनिशमेंट कर दिया तो मैं प्रशांत तो अपना ये लेक्चर यहाँ पर खत्म करता हूँ नमस्कार